घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खडुआ में एक युवक की संगीत मौत का मामला सामने आया है, वही दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना शनिवार 6 जनवरी की बताई जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि 6 जनवरी की रात 11 बजे प्रदीप पाल पिता बसंत पाल और रवि पाल पिता राजकुमार पाल दोनों गणेश तले के रहने वाले हैं, दोनों चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि खंडवा के आनंद नगर क्षेत्र की वाइन शॉप से दोनों ने शराब खरीद कर घर आकर दोनों शराब साथ में पी रहे थे, जिसके बाद रवि पाल की तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने उसे शनिवार रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसका इलाज अभी जारी है। वहीं 4 दिन बाद प्रदीप की भी तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त होने से, घबराहट होने से परिजनों ने प्रदीप को मंगलवार रात 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान प्रदीप की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि आनंद नगर के क्षेत्र की वाइन शॉप से दोनों ने शराब खरीदी थी, जिसके बाद दोनों ने साथ में बैठकर घर पर शराब पी, जिसमें प्रदीप पाल की मौत हुई है और रवि पाल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वही घटना की सूचना मिलते ही मोगट थाना प्रभारी ब्रजभूषण हिरवे अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और मर्ग कायम कर जांच में पुलिस जुट गई। मृतक युवक का पीएम कराकर ही शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। मामला ये था कि मेरा भाई रवि पाल, उसने वाइन शॉप से शनिवार को दारू खरीदी और उसी रात को इन लोगों ने बैठ के दारू पी। दारू पीने के बाद में एक की हालत तो तुरंत गंभीर हो गई, उसको हमने अस्पताल में भर्ती किया। उसके बाद में ये जो दूसरा था, इसने थोड़ा क्या है, रोक लिया था, कंट्रोल कर लिया था अपने आप को। तो कंट्रोल करते करते हम इसको क्या है, ऐसा यानी ये बताता नहीं था हमको कि एकदम से ये तत्काल हो रहा है, इसलिए इसको हम बाहर प्राइवेट भी दिखाते रहे अस्पताल, ताकि आराम लग जाए। लेकिन उसको आराम लगा नहीं और कल ज़्यादा सीरियस हो गया, तो वो हमने उसको हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल लाने के बाद में 11 बजे रात को उसको भर्ती किया गया और उसी दिन वो शांत भी हो गए। एक का नाम है प्रदीप पाल जो शांत हुआ और दूसरा है रवि पाल जो अभी सीरियस है। ये वाइन शॉप से ली थी आनंद नगर वाली। ये बताइए, आज डेट हुई है फोन में आपके और किसे क्या माहौल क्या? ये जिनकी डेट हुई है वो मेरा छोरा है। क्या नाम है? उसका नाम प्रदीप पाल। कैसे क्या हुआ बताओ? ये दारू पीने से। दारू कहाँ से खरीदा था? इन्होंने आनंद नगर वाइन शॉप। आनंद नगर वाइन शॉप। हाँ, फिर ये वही पिए थे कि लेके आए थे? नहीं, उधर घर ले रहे थे, उधर देख के पिए थे, नीचे में नाम दे रहे थे। फिर क्या हुआ? बस एक एक पिए थे उनने, फिर उसके बाद नहीं, फिर 8:30-9 बजे पता चला कि बोले तबीयत खराब हो गई, फिर इन्होंने लाके भर्ती करा उसको 8:30-9 बजे रवि को। जब प्रदीप ठीक था, प्रदीप कुछ नहीं था, लोग साथ में थे, बाबा दो ही थे, दो कौन कौन थे? एक रवि, एक प्रदीप। एक रवि, एक प्रदीप साथ में थे। हाँ, इन्हें दारू पाते थे उधर गाँव में? नहीं, उधर ही घर के पास में पी थी, अंधेरे में बैठ के पी थी। क्या लगता है, शराब नकली? नहीं, शराब अब नकली रही होगी, जब भी तो उनको इतनी तकलीफ हुई। बसंत पाल। सर, कहा जा रहा है कि शराब से पीने से मौत हुई है, क्या नकली शराब का मामला है, क्या है? देखिए, एक व्यक्ति की शराब पीने से मृत्यु का मामला सामने आया है। हम लोग अभी उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और विसरा वगैरह भी जांच के लिए भेजेंगे, और जो चीज़ सामने आ रही है उसमें भी आबकारी विभाग से भी जाँच करवाएंगे। क्या दूसरा की हालत क्या है? अभी उसकी हालत स्थिर है।
नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर।